कक्षा 8 हिंदी व्याकरण। मैं आरिफ प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 7 अपठित गद्यांश का भाग 1 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें अपठित में क्या कुछ दिया हुआ है। यह लेसन आपका अध्याय मतलब 7 है अपठित गद्यांश से। तो पहले हम गद्यांश के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो अपठित गद्यांश वाले प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं। नंबर 1, मूल अवतरण को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए तथा अवतरण में आए मुख्य भावों एवं विचारों का पता लगाना चाहिए। यह पहला काम होता है जो मूल अवतरण से चलता है। नंबर 2, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अवतरण में ही ढूंढना चाहिए, जो दिया हुआ है उसी में ही ढूंढना चाहिए। नंबर 3 है, अपठित गद्यांश का सारांश मूल का 1/3 या आधा होना चाहिए। सारांश में अवतरण की सभी मुख्य बातें समावेश हो। नंबर 4 है, उत्तर संक्षिप्त एवं साफ हो। नंबर 5, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। नंबर 6, गद्यांश का शीर्षक छोटा हो तथा अवतरण के केंद्रीय भाव का प्रतिनिधित्व करता हो। नंबर 7 है, गद्यांश के शीर्षक की खोज उसके आरंभ या अंत के 2 पंक्तियों में खोजे जाने चाहिए। चलिए पहला है ये आपका, देखते हैं इसमें क्या। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। मानव में अमर होने की लालसा प्राचीन काल में भी थी और आज भी है। कुछ लोग भव्य स्मारक बनवाकर अमर होने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कोई भी भवन अनंत काल तक नहीं रह सकता। यदि व्यक्ति परहित के कार्यों के लिए जीवन समर्पित करना सीख ले तो मरकर भी अपना नाम अमर कर सकता है। तुलसी, सूर, कबीर, गांधी, लिंकन, टॉलस्टॉय के नाम स्मारकों के कारण नहीं, उनके कृतित्व के कारण अमर हुए हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, अमरता प्राप्त करने के लिए उचित उपाय क्या है? और वह है, भव्य स्मारकों के निर्माण से अमरता प्राप्त न होने का कारण समझाइए। तो ये उत्तर है बच्चों, आप परहित के लिए अपना जीवन समर्पित करना अमरता प्राप्त करने का उचित उपाय है। और दूसरे का आंसर है, कोई भी भवन अनंत काल तक नहीं रह सकता, इस कारण भव्य स्मारकों के निर्माण से अमरता प्राप्त नहीं हो सकती। अब आते हैं दूसरे पर। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ईश्वर की कृपा से कि मनुष्य इस योनि में जन्म लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस जीवन को सफल बनाए। जैसे जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शास्त्र सम्मत है, परंतु फिर भी परोपकार करने में जो सफलता सन्निहित है वह अन्यत्र कहां। इसलिए यह कहा गया है कि महापुरुषों का कर्म परोपकार करना ही है, यही उन्हें महापुरुष का स्तर प्रदान करता है। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उपयुक्त का शीर्षक जो है वो परोपकार का महत्व है। वह है इसका, मानव की बड़ी उपलब्धि क्या है? तो ये उत्तर है इसका, मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि मनुष्य जीवन है। नंबर 6 है, महापुरुषों का कर्म क्या करना चाहिए, मतलब कर्म क्या होना चाहिए बता। तो 6 है इसका उत्तर, महापुरुषों का कर्म परोपकार करना है। नंबर 10 है, जीवन के शास्त्र सम्मत लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है? तो उत्तर इसका, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष जीवन के शास्त्र सम्मत लक्ष्य है। तो इस आधार पर ये प्रश्न के उत्तर बनते हैं। चलते हैं अगले की ओर। ये प्रश्न 3 आ गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश चालू होता है, अनुशासन में रहकर छात्र माता पिता अपने गुरुजनों तथा बुजुर्गों से सम्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को परामर्जित और परिष्कृत कर सकता है। अनुशासन से छात्र में कर्तव्य परायणता, पर सेवा और देशभक्ति के उत्कृष्ट गुणों का विकास होता है। उसमें सामाजिकता और श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास होता है। चलिए इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जरा प्रश्न है नंबर
उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो ये उत्तर है, इसका शीर्षक क्या है? अनुशासन का महत्व। नंबर वह है, अनुशासन से छात्र में क्या परिवर्तन आता है? तो ये इसका उत्तर, उत्तर यही देना गद्यांश से। अनुशासन से छात्र में कर्तव्य परायणता, पर सेवा और देशभक्ति के उत्कृष्ट गुणों का विकास होता है। नंबर स पे आ जाओ, अनुशासन के लिए छात्र को क्या करना चाहिए? ये इसका उत्तर है सागर, अनुशासन के लिए छात्रों को माता पिता, अपने गुरुजनों तथा बुजुर्ग से सम्यक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अगले चलते हैं पद्यांश गद्यांश की तरफ। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो पहले गद्यांश देखते हैं। मनुष्य के लिए प्रतिभाग नहीं, दृढ़ निश्चय आवश्यक है। इसके द्वारा ही वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। यह स्पष्ट है कि आंख बंद कर फेंका हुआ तीर अपना लक्ष्य नहीं भेद सकता। भला आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे जो गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पर पहुंचा हुआ है, पर जिसे यह नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है। अतः हम अपनी इस बंद आंखों को खोल लें, दृढ़ निश्चय कर उद्देश्य की ओर चल पड़े। उस महाराणा प्रताप की तरह जो 27 वर्षों तक वनों में भटकने के बाद अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ देखते हैं। पहला प्रश्न, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो हर एक में शीर्षक जरूर पूछा जाता है बच्चों। तो शीर्षक इसका क्या है? दृढ़ निश्चय। वह है इसका, मनुष्य अपने उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है यहाँ पे, वह इसका मनुष्य अपने उद्देश्य को दृढ़ निश्चय के द्वारा प्राप्त कर सकता है। सब प्रश्न है, उद्देश्यहीन जीवन की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर है, उद्देश्यहीन जीवन की तुलना उस व्यक्ति से की गई है जो गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पर पहुंचा हुआ है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि उसे कहां जाना है। अब इसके बाद आता है नंबर द, अपने शब्दों में सारांश लिखिए। इसका सारांश मतलब छोटे से में लिखना है आपको। तो ये द है, सारांश देखिए। मनुष्य के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है, इसके द्वारा वह महाराणा प्रताप की तरह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। तो ये इतना संक्षेप लिखते हैं इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। पांचवा है, ये निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसी मान्यता है कि विज्ञान निर्माण और समृद्धि के लिए है, युद्ध और विनाश के लिए नहीं। कहा जाता है ऐसा कोई वैज्ञानिक मस्तिष्क नहीं हो सकता जो तथ्य की गहराई में जाए और धर्म में विश्वास ना करता हो। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। चलिए प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है इसमें, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। फिर उत्तर है इसका, देखो शीर्षक क्या है? धर्म और विज्ञान। वह आ गया इसका प्रश्न, विज्ञान के संबंध में क्या मान्यता है? ये इसका उत्तर है, विज्ञान के संबंध में मान्यता है कि विज्ञान निर्माण और समृद्धि के लिए है, युद्ध और विनाश के लिए नहीं। नंबर सौ प्रश्न है, धर्म और विज्ञान का क्या संबंध है? तो ये है उत्तर इसका, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगला आ रहा है छठा, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो देखते हैं इसमें भी गद्यांश में, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ये पांच बड़े व्रत हैं। इनमें अस्तेय का दूसरा नाम चोरी न करना भी है। दूसरों की चीज उसकी इजाजत के बिना लेना चोरी है। जो चीज हमें जिस काम के लिए मिली है उसे सिवा दूसरे काम में लाना या जितने समय के लिए मिली है उससे ज्यादा समय तक उसे काम में लेना भी चोरी है। अपनी कम से कम जरूरत से ज्यादा मनुष्य जितना लेता है वह चोरी है। अस्तेय वस्तुतः मन की स्थिति है, सबके लिए इतनी बारीक से इसका पालन करना कठिन है, पर जैसे जैसे मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकताएं घटाता जाएगा वैसे वैसे अस्तेय की गहराई में पहुंच जाएगा। तो इसके चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न पहला है इसका प्रश्न, उक्त गद्यांश का शीर्षक। बच्चों ध्यान रखना, हर एक का शीर्षक जरूर मांगा जाएगा। तो ये इसका शीर्षक है, अस्तेय एक बड़ा व्रत।
व इसका दूसरा प्रश्न, जीवन में आचरण योग्य बड़े व्रत कौन कौन से हैं? तो ये इसका उत्तर है बच्चों, वह सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह और अस्त्य। ये पांच व्रत जीवन में आचरण योग्य व्रत है। सौ इसका प्रश्न है, मनुष्य अस्त्य की गहराई तक किस प्रकार पहुंच सकता है? तो इसका उत्तर देना है, यदि मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकताएं घटाता जाएगा तो वह अस्त्य की गहराई तक पहुंच सकता है। द है अस्त्य का अर्थ विस्तार से समझाइए। चलिए देखते हैं इसको अर्थ को भी। तो ये इसका द, इसका अस्त्य का अर्थ है चोरी ना करना। चोरी शब्द का यहाँ व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है किसी की बिना आज्ञा लिए चीज लेना, जितने समय में समय के लिए वस्तु ली है उससे अधिक समय तक रखना, जिस परियोजना के लिए वस्तु ली है उससे भिन्न कार्य लेना, आवश्यकता से अधिक लेना, यह सब चोरी है। इनसे तभी बचा जा सकता है जब हमारी आवश्यकताएं न्यूनतम होंगी। इस प्रकार अस्त्य का अर्थ हुआ अपनी आवश्यकताएं कम से कम करना और उनकी पूर्ति बिना चोरी के करना। यह अगला आ रहा फिर से हमारा गद्यांश, यानी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसमें फिर क्या हो रहा है। मानव जीवन एक खेत है जिसमें कर्म बोए जाते हैं और उन्हीं के अच्छे बुरे फल काटे जाते हैं। जो अच्छे कर्म करता है वह अच्छे फल प्राप्त करता है, बुरे कर्म करने वाला बुराई समेटता है। बबूल बोकर आम प्राप्त करना प्रकृति का सत्य नहीं है। उसी प्रकार बुराई के बीज बोकर भलाई पा लेने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए देखिए इसमें प्रश्न कौन कौन से दिए हैं। तो पहला ये प्रश्न दिया हुआ है, मानव जीवन की तुलना किससे की गई है? तो ये इसका उत्तर है बच्चों, मानव जीवन की तुलना खेत से की गई है। नंबर दो है, जीवन रूपी खेत में क्या बोए जाते हैं? तो ये उत्तर है इसका, जीवन रूपी खेत में कर्म बोए जाते हैं। नंबर सा है, बुरे कार्य करने वाले क्या समेटता है? तो ये इसका उत्तर है, बुरे कार्य करने वाला बुराई समेटता है। अगला आ गया फिर से गद्यांश आठ है ये, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले है, ज्ञानी की सर्वत्र पूजा होती है, संसार के अन्य सभी धन से ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ है, अतः हमें इस धन को पाने के लिए हमेशा उत्सुक व आग्रही होना चाहिए। यह धन तपस्वी संयमी तथा विनयी साधक को ही प्राप्त होता है, आलसी तो कोसों दूर रह जाते हैं। ज्ञान पथ का पथिक ब्रह्म मुहूर्त से तैयार होकर भूख प्यास की चिंता न करते हुए एकाकी ही आगे बढ़ता है। सच्चा साधक व्यर्थ न बोलकर हमेशा चिंता मग्न रहता है। चलिए इसके प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक बहुत पूछते हैं बच्चों, तो ये इसका शीर्षक है ज्ञान धन। वह है ज्ञान धन किसे मिल सकता है? तो ये उत्तर है इसका, ज्ञान धन तपस्वी संचयी और विनयी साधक को ही प्राप्त होता है। सौ प्रश्न है, सच्चे साधक के क्या गुण है? तो इसका उत्तर है इसका, सच्चा साधक व्यर्थ न बोलकर हमेशा चिंता मग्न रहता है, ये इसका उत्तर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले इसके लिए गद्यांश की तरफ, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पहले देख लीजिए गद्यांश क्या है। प्रायः देखा गया है कि छात्र अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं। एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। हमको एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। यानी समय का सदुपयोग हमारी शिक्षा दीक्षा एवं भावी जीवन की सफलता के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमारी भावी सफलता हमारे परिश्रम और समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न है नंबर एक, गद्यांश का उचित शीर्षक। बच्चों ध्यान रखना, शीर्षक बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो ये शीर्षक इसका समय का सदुपयोग है। वह है, हमारी भावी सफलता किस बात पर निर्भर है? उत्तर है इसका, हमारी भावी सफलता परिश्रम और समय के सदुपयोग पर निर्भर है। नंबर सा आ गया, समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है इसका, समय का सदुपयोग हमारी शिक्षा दीक्षा एवं भावी जीवन के लिए आवश्यक है। यह आ गया प्रश्न दस, इसका इससे गद्यांश शुरू हो रहा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न ही बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। लोग
कांटों से आम नहीं बटोरते और न कटीली झाड़ियों से अंगूर के गुच्छे। भला मनुष्य अपने हृदय के खजाने से अच्छा माल निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। चंदन को घिसो तो वह सुगंध ही देगा, फल वाले वृक्ष को पत्थर मारो तब वह फल ही देगा। अब इसके प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। नंबर एक है उचित शीर्षक दीजिए, जिसका शीर्षक देखिए क्या है, यह पेड़ जैसा वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल इसका शीर्षक हो गया, यानी वह है। भले मनुष्य की क्या विशेषता है, इसका उत्तर है भले मनुष्य की विशेषता है कि भला मनुष्य अपने भले मनुष्य की यह विशेषता है कि भला मनुष्य अपने हृदय के खजाने से अच्छा माल निकालता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो फलदार वृक्ष चंदन और गन्ने के क्या गुण हैं, और दूसरा है प्रश्न एक और, हमें इस अवतरण से क्या शिक्षा मिलती है, यानी इस अवतरण से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, और सर क्या है फलदार वृक्ष चंदन और गन्ने के क्या गुण है। तो चलो देखते हैं इसके उत्तर क्या है। तो पहले है सब, फलदार वृक्ष पत्थर मारने पर फल देता है, चंदन घिसने पर सुगंध देता है, और गन्ना निचोड़ने पर रस देता है। और द का उत्तर है, इस अवतरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों से बुराई करने पर भी अच्छा फल मिलता है। इसके लिए लेखक ने चंदन गन्ना और फलदार वृक्ष का उदाहरण दिया है। इसी के साथ ये अमृत कद्यांश खत्म होते हैं। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करोगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहिए और देखते रहिए।